विराजमान है, चंद्रमा भी सामने खिल सकता है, अभी शुक्ल पक्ष आ गया है, चंद्रमा भी यहां पर लीला के अधीन होकर के कभी भी खिल सकता है, सुंदर पुष्प भागता है, श्याम सुंदर भी हैं और श्री राधा रानी भी हैं, तो चलो यहां पर ही रास हो जाए। श्री किशोर जी कह रही हैं कि नहीं नहीं, यहां पर रास नहीं हो सकता है, क्यों? बोले श्री श्याम सुंदर का यहां पर अन्य वेश है, तुमार ये अन्य वेश, अन्य संग अन्य, तुमार ये अन्य वेश, अन्य संग अन्य वेश, गोपी जो ने कभू नो ही भार, तुमार वाक्य पर पाटी तार मध्य कुट नाटी, शुन गोपी की होवे उपाय। उस समय श्री महाप्रभु त्रिपदी में कह रहे हैं, श्री स्वरूप दामोदर उनके साथ में एकांत में, श्री ललिता सखी के साथ में श्री राधा रानी ही, महाप्रभु राधा रानी भाव में, श्री राधिका भाव में, उस समय कुरुक्षेत्र में जो श्री राधा रानी के वचन, उनका ही आस्वादन, उनका ही अनुशीलन करते हुए कह रहे हैं, बोले प्यारे यदि तू ये कहे कि यहाँ पर मिलन हो जाए तो यहाँ पर मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हार ये अन्य वेश, यहाँ पर तू राजकीय वेश धारण करके आ रहा है, इतना बड़ा श्री जगन्नाथ जी का मुकुट जिसमें पांडु विजय होती है, जगन्नाथ जी श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं रथ में विराजने के लिए, आप क्या जबरदस्त मुकुट, इतना बड़ा, तो तुम्हारी अन्य वेश, अन्य संग अन्य, अन्य देश, अन्य संग अन्य देश, यहां पर देश भी अलग है, देश भी अलग है, यहां पर राजकीय प्रशासन सब तुम्हारी सेवा करने में लगे हुए हैं, यहां पर रास नहीं हो सकता है, रास करना हो तो श्याम सुंदर आपको गोप वेश धारण करना पड़ेगा, रास तब होगा जबकि वृंदावन धाम हो, और रास तब होगा जबकि परिकर भी ब्रज परिकर हो, ये तीनों चीज जब तक नहीं होंगी, श्री गोपी परिकर, फिर गोप वेश और श्री वृंदावन धाम के बिना रस की लीला की स्फूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए श्री प्रिया कटाक्ष करती हुई, मान धारण करती हुई कह रही हैं, बोले प्यारे यहां पर रास नहीं हो सकता है, रास करना हो तो आपको वृंदावन चलना पड़ेगा, बोले यहां ही मिलन हो जाए, बोले नहीं नहीं, ये जो स्थान है अंधेर हृदय मौन मोर मन वृंदावन, मोने बोने एक परी माने, तहां तुमार पद द्वय कराह यदि उदय, तभी तुमार पूर्ण कृपा माने, यद्यपि दूसरों के लिए मन का अर्थ होता है हृदय, अंधेर हृदय मन, दूसरे मन कहेंगे तो मन का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है हृदय, पर मेरा हृदय क्या है, बोले मेरा हृदय, बोले हृदय में मिलन नहीं हो सकता है, मेरा हृदय है साक्षात वृंदावन, बनरूप जो वृंदावन है, वहां बनरूप वृंदावन जब तक नहीं होगा तब तक रास तुम्हारे साथ में यहां कुरुक्षेत्र में नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे यदि रास करने की इच्छा है तो अरे सखी श्याम सुंदर को जल्दी से रथ में बैठा करके वृंदावन ले चल। तो ललना श्री महावाणी जी में वर्णन कर रहे हैं उसी लीला का कि ललना रथ ले चढ़ी जो लला, अधर सुधा रस प्याय पिया को करके दूर पला। आश्री प्रिया जी आज श्याम सुंदर को अधर सुधा रस पान कराने के लिए आज रथ में श्री श्याम सुंदर को विराजमान करके वृंदावन ले जा रही हैं। जैसे आज श्री श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र से अर्थात द्वारका धाम से, द्वारका धाम का एक भाग है कुरुक्षेत्र, द्वारका लीला का एक भाग है, तो मानो द्वारका से श्री श्याम सुंदर लौट करके वापस ब्रज में आ रहे हैं। जय की जन्म निवास हो, देव की जन्म बाद हो,
यदवर परिषद्वैर दुर्विरस्यन्न धर्मं स्थिर चर विजनग्ना सस्मितं श्रीमुखेन ब्रजपुर बदतानां वर्धयन् कामदेवम्। इस समृद्ध मान संयोग दशम स्कंद का अंतिम अध्याय का अंतिम लगभग अंतिम श्लोक है, पीछे का श्लोक है, समापन का श्लोक है कि जयति जन निवासो आज प्यारे वृंदावन में पधार रहे हैं। जयति जन निवास, हम जन्मों के बीच में ही निवास करने वाले हैं। देव की जन्म वादा, क्योंकि ये नंद नंदन है, देवकी जी में इनका जन्म हुआ। ये तो केवल वादा है, केवल प्रसिद्धि मात्र है, वो मूल वस्तु नहीं है। ये यशोदा नंदन है और आज हमारे सुख को प्रदान करने के लिए, हमको पुनः आनंदित करने के लिए श्री श्याम सुंदर रथ के ऊपर विराजमान होकर के प्यारे को हम वृंदावन ले जा रहे हैं। और जयति जयति, उस समय वृंदावन में इनकी जय हो, वृंदावन में सर्व रूप से ये विराजमान हो। देवकी जन्म वादा, यदवत के जी देवकी जी में इनका जन्म हुआ, ये इन्होंने रूमर के फैलाई, ये प्रसिद्धि के फैलाई, ये अपवाह के फैलाई कि देवकी जन्म वादा है, कि देवकी जी में इनका जन्म हुआ। यह इन्होंने अपवाद क्यों फैलाया, अपवाह क्यों फैलाई, बोल ये इसलिए इन्होंने फैलाई, ये मिथ्या सूचना इसलिए फैलाई कि ऐसा करके इनको दो प्रयोजन सिद्ध करने थे, शाल्व इत्यादि दुष्टों का बल, जरासंध इत्यादि का बल, और अर्जुन के माध्यम से महाभारत की लीला इत्यादि का भी ये आगे समाधान करना चाहते हैं। तो देव की जन्मवादा, देवकी जी के पुत्र हैं, इस बहाने इन्होंने अर्जुन और इन्होंने यादवों की सहायता प्राप्त करके उनकी भुजाओं से, अर्जुन रूपी भुजाओं से पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए इन्होंने यह रूमर फैला दी है, यह अपवाह फैला दी है कि देवकी जी में इनका जन्म हुआ। अरे देवकी जी में जन्म कहां हुआ है, हमारे सामने ब्रज में जन्म हुआ है इनका, तो ये ब्रजवासी अभिमान करते हैं। तो जय जन्म निवास देवी की जन्मवाद, यदवर परिषद, यादवों की परिषद माने सभा में, दोर में अस्यम नधर्मम, ये अपनी भुजाओं के द्वारा अधर्म को दूर करना चाहते हैं। स्थिर चर ब्रज रखना, परंतु अब जब ये लौट करके आए हैं तो जितने भी ब्रज के स्थिर चरजन हैं उनके कष्ट को दूर करने वाले हैं, जड़ चेतन सबके कष्ट को दूर करने के लिए अब ये लौट करके दोबारा आए हैं। स्थिर चर ब्रज माने कष्ट, उनको ना उनको दूर करने के लिए स्थिर चर ब्रज रखना। सुस्मितम श्री मुखेन, परम श्री मुख के द्वारा मुस्काते हुए ये प्यारे लौट करके दोबारा आए हैं, समृद्धिमान संयोग सुख हमको प्रदान कर रहे हैं। ब्रजपुर बनता नाम वर्धयन् कामदेवम्, ब्रजपुर की जितनी भी बनता है और उनके हृदय में अब कामदेव को बढ़ाते हुए ये विराजमान हैं, अर्थात समृद्धिमान संयोग सुख हमको प्रदान कर रहे हैं। ये प्रिया जी के वचन है, जयति जन देवास, ये शुभदेव जी के वचन नहीं है, ये ब्रजवासी जन मुख्यतः श्री किशोरी जी के, उस समय श्याम सुंदर जब पुनः लौट करके आए वृंदावन पुनः आगमन, उस समय ये श्री प्रिया जी के वचन है। तो श्री किशोरी जी यही कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर यदि कोई यहां पर कहे कि यहां पर रास हो जाए तो हृदय, रास तो हृदय से होगा और हृदय तुम्हारा तुम्हारे पास में है। किशोर जी करिए ना, मेरा हृदय तो वृंदावन है, हम जहां पर विराजमान है ये जगह कोई मामूली नहीं है, यह किशोर जी का हृदय। इसे किशोर जी कह रही हैं कि जल्दी से प्यारे को रथ के ऊपर विराजमान करके वृंदावन ले चलो। और श्री श्याम सुंदर जिस समय आप श्री जगन्नाथ पर हो, जिस समय पांडु विजय करते हुए आए, उस समय झूमते झामते आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उस समय श्री मामो ब्रजजन, ब्रजवासी जन, भावजन जैसे इनके उस राजकीय वेश को हटा देना चाहते हैं। ये स्वयं ही श्री कृष्ण बलदेव दोनों अपने राजकीय वेश, उस राजकीय वेश का त्याग करके वही श्री मस्तक के ऊपर बड़ा सुंदर फेंटा बांध करके
ब्रिजवासी जो वेश है गोप वेश उसको धारण करके श्री जगन्नाथ प्रभु फिर रथ के ऊपर विराजमान हो रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी का रथ अब श्री बलदाऊ जी का रथ तो मिलन का अवसर है, इसलिए रस में बलदाऊ जी तो आगे बढ़ गए कि कहीं मिलन में बाधा नहीं हो। परंतु तो श्री श्याम सुंदर जिस समय आरे टेढ़े होते हुए आप चल रहे हैं, रथ जब हिलता हुआ घूमता हुआ जैसे चल रहा है उस समय कभी रथ अटक जाए, श्री महाप्रभु सामने खड़े हैं और महाप्रभु में मान का भाव उदय हो जाए, अब मान का भाव उदय हुआ तो रथ अटक गया, रथ आगे बढ़ ही नहीं। श्री प्रताप रुद्र महाराज ने आदेश प्रदान किया कि इस समय हाथी कहां है उनको लाया जाए। हाथी पीछे से आ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, पीलवान महावत हाथी के ऊपर अंकुश मार रहे हैं, हाथी के कनपटि से रक्त की धारा बह रही है, परंतु एक तिल मात्र भी जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। उस समय श्री महाप्रभु कहते हटो हटो, और हटा करके अपना जो दुपट्टा उस दुपट्टे को लेकर के उसकी ही ईड़ली बना करके माथे के ऊपर रख करके मुंडित मस्तक उसके ऊपर रख करके और श्री जगन्नाथ रथ के पीछे से जो धक्का दे सो रथ घर करके आगे बढ़ दिया है, आगे बढ़ा है ऐसे अपूर्व से। कभी नृत्य करते हुए विराजमान तो नृत्य करते समय श्री राधा रानी में मान उदय हो जाए तो रथ रुक जाए, कभी उत्कंठा उदय हो तो रथ घर घर करके आगे बढ़ता हुआ श्री जगन्नाथ जी का चल रहा है। आज श्री महाप्रभु प्रिया के अत्यंत अत्यंत अधीन हुए अनुकूल नायक होकर के श्री स्वामी स्वाधीन भर्तृ का होकर के निराधीन पति का होकर के आप विराजमान हैं, और श्री यदि आमंत्रित करें तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु आप आगे बढ़े, और यदि श्री राधा रानी रोके महाप्रभु रोके तो जगन्नाथ जी का रथ वहीं की वहीं रुक जाए। महाप्रभु ने आदेश दिया हुआ है कि सात संप्रदाय अलग बन करके सब जगह नृत्य करेंगे और सब दर्शन कर रहे हैं कि सातों संप्रदायों में श्रीमद् महाप्रभु नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। बोले ये अद्वैत आचार्य का संप्रदाय है, ये नित्यानंद का संप्रदाय है नित्यानंद प्रभु का, ये वक्रेश्वर पंडित का संप्रदाय है, ये स्वयं श्री महाप्रभु का है, ऐसे सब जो भक्तों के अलग अलग ग्रुप हैं अलग अलग संप्रदाय हैं, परंतु तभी एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ में मिल जाए, कभी अलग होकर के श्री जगन्नाथ जी के सामने सब नृत्य करते हुए आज मानो प्यारे को पधरा करके श्री जगन्नाथ पुरी आप गुंडीचा मंदिर ले जा रहे हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में अलग अलग श्री महाप्रभु सबके हृदय में, श्री जगन्नाथ प्रभु सबके हृदय में अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं। जो द्वारका लीला के उपासक हैं वे कह रहे हैं महाप्रभु अपनी ससुराल जा रहे हैं, जो रामचंद्र जी के उपासक हैं वे कह रहे हैं जनकपुरी जा रहे हैं, जो उड़िया गण हैं वे कह रहे हैं मासी के यहाँ पे मिलने के लिए जा रहे हैं, परंतु जो रसिक जन हैं ब्रज रस को जो जानने वाले हैं वे कह रहे हैं आज समृद्धिमान संयोग में श्री प्रभु लौट करके वृंदावन आ रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग भाव सबके हृदय में परिपूर्ण रूप से विराजमान और सब उस माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। जिस समय श्री जगन्नाथ जी का रथ बढ़ा और किसी बगीची में जाकर के मध्याह्न में कहीं रस होता है, श्री प्रभु का अब विश्राम का समय है भोग लगेगा, श्री महाप्रभु भी पास के किसी टोटा में जाकर के, टोटा माने उड़िया में कहते हैं बगीचे को, किसी बगीचे में जाकर के श्री महाप्रभु थक गए हैं और उस समय देख रहे हैं श्री सारू भट्टाचार्य श्री राय रामानंद सब श्री प्रताप रुद्र महाराज से कह रहे हैं
बोले आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति, महाप्रभु के दर्शन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जाओ ये राजवेश तुम भी त्याग कर दो, और राजवेश त्याग करके किसी सामान्य उड़िया का एक ग्रामीण का वेश धारण करके श्री प्रताप रुद्र को तैयार किया है। प्रताप रुद्र डर रहे हैं, सब कह रहे हैं हिम्मत करो जाओ जाओ, महाप्रभु हृदय से तुमको चाह रहे हैं, केवल मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं तुमको अनुमति मिली है, तुम अवश्य जाओ, कृपा हो जाएगी। श्री प्रताप रुद्र एक एक वैष्णव उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आप कृपा करो तो कृष्ण प्राप्ति, श्रीमद महाप्रभु की प्राप्ति मुझे होगी, बिना वैष्णव कृपा के महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। और सबने उस समय श्री प्रताप रुद्र महाराज को अपूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया है। और श्री प्रताप रुद्र उस समय श्री रास पंचाध्यायी गोपी गीत उनका गायन करते हुए जो पधारे, श्री महाप्रभु तो गोपी गीत को सुनकर के विफल हो रहे हैं, और जैसे ही श्री प्रताप रुद्र ने कहा, गोपी गीत गाया कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि निरीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मदातम भूमि भ्रंति ते भूरिदा जना, श्री महाप्रभु भूरिदा भूरिदा कहकर के उठ पड़े और श्री प्रताप रुद्र को हृदय से लगा दिया। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, परम कृपालु आपने प्रताप रुद्र को अपने हृदय से लगा लिया है, भूरिदा। और मानो कह रहे हैं जो कृष्ण कथा सुनाए उससे बढ़कर के और कोई दाता नहीं हो सकता है। भूरिदा भूरिदा कहकर के श्री महाप्रभु का, महाप्रभु ने उस समय अपूर्ण रूप से प्रताप रुद्र को अपने हृदय में लगाया। प्रताप रुद्र एकदम आनंदित हो गए। महाप्रभु को जब बहिर ज्ञान हुआ तब कह रहे हाय हाय, आज मैंने राजे स्पर्श कर लिया, मेरा सन्यासी धर्म कहाँ गया, ऐसा कह करके दूर सरक रहे हैं। प्रताप रुद्र प्रणाम करके उस समय दूर हट रहे हैं, और सब वैष्णव गण जितने भी छिपे हुए हैं वृक्षों के पीछे लीला देख रहे हैं छिप करके, वे सब के सब श्री प्रताप रुद्र को हृदय से लगा रहे हैं, अपूर्ण रूप से आनंदित होते हुए विराजमान। ऐसे श्री महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु आप गुंडीचा मंदिर में पधारे, वहां पर आनंद पूर्वक विराजमान हुए, और होरा पंचमी के दिन श्री महाप्रभु उनको ब्रज की लीला की स्मृति हो जाए। इधर श्री लक्ष्मी जी नाराज हो रही हैं और श्रृंगार हरण करके पूरी सेना को संग में लेकर के छत्र चमर पंखा और इनको लेकर के श्री जगन्नाथ प्रभु को जा रही हैं। महाप्रभु हंसी कर रहे हैं, बोले भैया ये कौन सी रीति है, हमारे यहाँ पर तो माननी मांग करती है तो श्रृंगार उतारती है, श्रृंगार बड़े करके श्रृंगार त्याग करके वो एकांत में बैठती है, परंतु यहां पर तो ये तो वैभव लेकर के पूरी सेना लेकर के जा रही है। श्री लक्ष्मी जी की सवारी जगन्नाथ जी के मंदिर से निकलती है, और उस समय जो पुजारीगण हैं श्री लक्ष्मी जी के, वे ही जब पालकी में श्री लक्ष्मी जी की सवारी आती है गुंडीचा मंदिर में, और उस समय वो जो जगन्नाथ जी का रथ है उस रथ को बैत से पीटते हैं, और महाप्रभु हंसी कर रहे हैं, बोले ये कौन सा प्यारे को मनाने का तरीका है कि यहाँ उस जड़ रथ को पीट, जड़ नहीं है रथ तो चिन्मयी है, जगन्नाथ जी का रथ है, पर कह रहे हैं जड़ रथ को ये पीट रही है, ये कौन सा मान का तरीका है, लक्ष्मी जी का ऐसा मान कहीं भी रस को प्रदान करने वाला नहीं हो सकता है। ऐसे अपूर्ण रूप से आनंद महाप्रभु फिर ब्रज लीला के कहा किशोर जी का मान उसकी तुलना करते हैं, किशोर जी का मान और श्री लक्ष्मी जी का ये जो मान, दोनों मानों में कितना बड़ा अंतर है, उस लीला का श्री महाप्रभु अपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं मान लीला का। ऐसे श्री जगन्नाथ प्रभु आनंद पूर्वक श्री रथ यात्रा उनका संपादन करते हैं, ब्रज में आकर के आनंद पूर्वक विहार होते हैं, विहार करते हैं,
ग्यारहवें दिन या जैसा मुहूर्त हो उसके हिसाब से श्री जगन्नाथ जी की जब बाहुड़ा रथ यात्रा होती है उल्टी रथ यात्रा लौटने की, उस समय जितने भी उड़ियावासी हैं उनको परम परम आनंद कि आज हमारे ठाकुर जी लौट करके हमारे पास में आ गए, नहीं तो बीच में छूट गए थे, दूर चले गए थे, अब लौट करके आ गए हैं। तो सब लोग वहाँ के जो उड़ियावासी जो है स्थानीय लोग वे परम परम महामहोत्सव मनाते हैं और श्री जगन्नाथ जी को फिर रसगुल्ला भोग रखते हैं। उस दिन सब लोग रसगुल्ला भोग रखते हुए विराजमान होते हैं, श्री जगन्नाथ जी रसगुल्ला विशेष रूप से आरोपते हैं, फिर अपने आप आकर के श्री जगन्नाथ मंदिर में आप विराजमान होते हैं। इस प्रकार श्री जगन्नाथ प्रभु का बाहर पधारना वह संपूर्ण त्रिलोकी को जगत के नाथ होकर के संपूर्ण त्रिलोकी के ऊपर ही कृपा करना है, और जिस कृपा करते हुए श्रीमद महाप्रभु जिनको जगन्नाथ मंदिर में भीतर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है ऐसे जनों को भी दर्शन देते हुए विराजमान जगन्नाथ जगन्नाथ होकर के विराजमान। और आज का महोत्सव यह विशेष रूप से अत्यंत उल्लास का महोत्सव जो कि समृद्धिमान संयोग सुख का आस्वादन प्राप्त कराने वाला, ऐसे समृद्धिमान संयोग सुख रूप श्री रथ यात्रा महोत्सव परम परम दिव्यादि दिव्य आनंद की अतिशयता जिसमें विराजमान है, सर्वोत्तम आनंद जहां विराजमान है, ऐसे रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री बलभद्र प्रभु की जय। श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथ धाम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। उनके ब्रज आगमन महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। कल से मेरी बाहर जाना है अमृतसर, तो फिर 10 तारीख को 11 तारीख से फिर इसको पर बीच में सप्ताह है 7 तारीख से, तो उसके दरमियान तो इसके बाद में सप्ताह के बाद में 14 तारीख कब तक है 13 तक 14 14 तारीख को फिर दर्शन देंगे सब लोग करवा। गोविंद जय जय गोपाल जय।